तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि आज 11 जनवरी है। यहाँ की गर्मी देखकर ये मत सोचना कि अप्रैल मई का महीना चल रहा है, यहाँ पर जनवरी का महीना चल रहा है। 11 जनवरी और इतनी ज़्यादा गर्मी देख सकते हो। अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। खैर ये सब छोड़ो, अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। सागर आ चुका है, सागर के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ। सागर का प्लान है, सागर बोल रहा है तू चल, तेरे को कहीं लेके चलते हैं। अंदर आना पार्क में, पुराने सेटअप में आ चुका हूँ और अभी चलते हैं गाइस इधर हमेशा की तरह। मतलब कितनी भारी गाड़ी, दो क्रेन है ना, और भैंस की टांग बचा भी है, दिख ही नहीं रहा है उसको, कार वाले को, और उसको भी थोड़ा जल्दी में है। अभी देखा क्या हुआ था, गलती किसकी थी? गलती दोनों में से स्कूटी वाले की थी, क्योंकि उसको ध्यान होना चाहिए कि भाई थोड़ा धीरे हो जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि अचानक से कोई भी सामने आ सकता है, क्योंकि गाड़ी अलग एंगल में खड़ी थी। हम भी निकल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं हमें यही नहीं पता, पूछते पहले। अब सागर ने फुल स्पीड में गाड़ी टन। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मतलब ये है सुबह की सब्जी मंडी है, नहीं ये सुबह की सब्जी मंडी है ना, ये शाम की है सुबह की है, ये सब्जी मंडी है, इतना याद रख लो। उस साइड में रेलवे ट्रैक है और ये हम पहुंच गए अजमेरी गेट है ना, ये नहीं अजमेर चौराया, अजमेरी गेट तो जयपुर में है। मुझे कंफ्यूजन होना ये जेन्युइन बात है, क्योंकि जयपुर अजमेर भीलवाड़ा में कंफ्यूज रहता हूँ। जयपुर में अजमेरी गेट, यहाँ है अजमेर चौराया भीलवाड़ा में। देखो ये लोग, मतलब यहाँ की सड़कें देखो क्या क्लीन है। लोग फालतू में भीलवाड़ा की सड़कों को बदनाम करते हैं, यहाँ पे देखो क्या शानदार सड़क बनाई हुई है। ये हम कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग, इतना समझ लो। टन टन। और ये है बाइस्कोप, जो कि अब बहुत कम चलता है। और विशाल मेगा मार्ट खुल गया यार इसमें तो। विशाल मेगा मार्ट भीलवाड़ा में बंद हो चुका था, पहले था ठीक है, पास ही में था, वो बंद हो गया। अब यहाँ बाइस्कोप में विशाल मेगा मार्ट शिफ्ट कर दिया, कभी आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल हम जा रहे हैं डी मार्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ, डी मार्ट हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा आगे। यहाँ की मतलब क्लीननेस देखो, लोग ही नहीं है ऐसा समझ लो। और फाइनली हम पहुँच गए हैं भीलवाड़ा का वन एंड ओनली डी मार्ट। और आई डोंट नो यहाँ पर व्लॉग बनाना अलाउ होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पर आए हैं कुछ खरीदने के लिए और हमारे घर से डी मार्ट पड़ता है 6 किलोमीटर, मतलब टोटल 6 किलोमीटर डिस्टेंस होता है हमारे घर से डी मार्ट का, फिर भी हम यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आ जाते हैं पेट्रोल बार के। यहाँ पर ये नहीं पता कि लाइक व्लॉग शूट करना अलाउ है या नहीं है, नहीं होगा फिर भी हम करेंगे, अगर होगा तो भी हम करेंगे, हम सुधरने वाले थोड़ी ना है। क्या 2 पैकेट ब्रेड, अब हमने लिए ट्रॉली और उसमें डाल दी हमने 2 पैकेट ब्रेड। ये रहा सागर, तेरी मर्जी, मियोमीस पहले तू खा लेना फिर लेना। मैंने लिया था एक बार, ये ग्रीस की तरह मुझे लगा, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, इसको खाया ही नहीं, फिर मेरे को एकदम बकास लगा। ये कितने का? तो ले ले, तेरे को जो अच्छा लग रहा है वो ले ले, रॉयल टोस्ट है वो तो, अच्छे है ना। टन टन। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी अच्छी तरह से शूट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो आप मेरे सेटअप को देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर अलाउ नहीं है इसलिए। क्यों मस्त लगा के रखा है ना इन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से। नो एक्सचेंज नो रिटर्न। हाँ लेना क्या है? ब्रेड लेनी है, दाल तो कैंसिल हो गई। अच्छा ब्रेड लेनी है, दाल कैंसिल हो गई, टोस्ट का पैकेट लेना है, बोतलें लेनी है, कॉफियाँ लेनी है, मतलब बोतलें पानी वाली, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है ठीक है ना, अभी मतलब सही मिल जाएगी, जब सीजन आ जाएगा तब महंगी हो जाएगी। मकर संक्रांति स्पेशल, अरे बाप रे, बर्तन ही बर्तन बटोरो बहुत सारे आइटम है जो लेना है। इस साइड में देख, बर्तन ही बर्तन है, एल्यूमिनियम तांबे के सारे बर्तन है। बोतल भी ले सकते हो, टिफिन भी ले सकते हो, यहाँ सारे प्लास्टिक का पैक उधर होगा, बोतलों का पैक उधर होगा, नीचे होगा या हाँ उधर ही होगा। तूने खाया ही नहीं अमूल प्रो चॉकलेट? कितने की है चॉकलेट डिपार्टमेंट? हाँ ये तो सारी चॉकलेट डिपार्टमेंट अलग अलग साइज अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग है, सब पर ऑफ है। कोल्ड ड्रिंक ले ले, सब पर ही ऑफ चल रहा है, तगड़ा वाला वो भी। माजा ले ले 55 रुपये की, तू पी लेना। सारा साबुन डिपार्टमेंट, साबुन नहीं बता रहा है। हाँ ये सारा साबुन डिपार्टमेंट सारे के सारे साबुन, फेस वॉश। ये डी मार्ट का खुद का बेसन और ये डी मार्ट के खुद के मसाले ले रहे हैं। मसाले कहाँ क्या देखना, सारे डी मार्ट के खुद के मसाले हैं सारे, मतलब पैकिंग में। और यहाँ पे खुला आइटम, साइड में सारे कपड़े के ब्रांड हैं, कपड़े। इस साइड में आपको सारे क्लोथ्स मिलेंगे, सारे मतलब बेडशीट, ठंड का टाइम चल रहा है ना इसलिए। कपड़े देख ले, देख शर्ट कितनी बढ़िया बढ़िया हैं तेरे लिए, सारी शर्टें तेरे लिए, सारी पैकिंग है। इस साइड में सारी पैंटें हैं, कितने बढ़िया बढ़िया ले लेना।
नकली दे पहन लो सब मेरे उस साइड में गूगल्स हैं। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मेरे हाथ से क्या गिरेगा? ढूंढो वहाँ लेंगे क्या चल के, लेकिन अगर कुछ लेना है तो बताओ। और कुछ नहीं लेना, चलो फिर ठीक है। बिलिंग सिर्फ यहाँ दो जगह हो रही है, बाकी लगा तो रखे हैं बहुत सारे, बट जब भीड़ ज़्यादा होती है ना तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर बिलिंग करने के लिए। इस वाली पे कराते हैं तो ये ट्रॉली तो इधर से ही जाएगी ना, ट्रॉली इधर से जाएगी, ट्रॉली क्या ही ट्रॉली को यहाँ छोड़ देते हैं। सामान उठा लो अपना अपना। बोल, अभी कहीं और चलने का इरादा है? नो, अभी हम जा रहे हैं घर पे। मतलब मैंने ये बहुत मुश्किल से शूट उट कर लिया, मैंने दिखाना था आपको कैसा है यहाँ का डीमार्ट, तो आप लोग देख चुके होंगे अब तक। तो बहुत सीक्रेट तरीकों से हमने ये सारी चीज़ें की हैं आपको दिखाने के लिए, आप समझ सकते हो। सो ऐसा करते हैं, अभी हम चलते हैं घर जाएंगे, या फिर कहीं होते हुए घर जाएंगे, सीधा तो घर नहीं जाने वाले हैं। तो एक बात बताऊं, इन बड़े बड़े मॉलों में क्या होता है कि आप लेने आते हो सिर्फ एक चीज़, बट यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखकर, इतना सारा डिस्काउंट देखकर आप दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा लेके चले जाते हो, जिसकी ज़रूरत हो सकता है आपके घर में ना भी हो। तो ऐसा फिक्स रहता है, किसी भी मॉल में चले जाओ वहाँ पर आप देखोगे अरे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, अरे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो क्या जा रहा है। और सच है, ऐसा होता है। और इस ब्लॉग को शूट करने में हमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें अपनानी पड़ी, जो आप समझ सकते हो। ये है रिलायंस स्मार्ट, किसी दिन इसको भी एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से। और अभी हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा बस स्टैंड। ये जो ग्रीन वाला बोर्ड देख रहे हो ना आगे, ये जो बस जा रही है ना, बस ये अंदर जा रही है, देखो है, ये बस अंदर जा रही है, वो जा रही है आगे। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर यार, भीलवाड़ा में भी ट्रैफिक होता है, मार्केट साइड में ट्रैफिक होता है। जय बजरंग बली, सियावन रामचंद्र की जय, पवन पुत्र बजरंग बली की जय। हम सूचना केंद्र को छोड़ते हुए जा रहे हैं दूसरी जगह। अभी हम आ चुके हैं भीलवाड़ा की सीक्रेट प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे व्लॉग ओपन नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम कुछ और करने आए, वो करते हैं फिर बताते हैं। मतलब हम वहाँ पर रुके थे कृष्णा कचौरी खाने के लिए, कृष्णा जी का समोसा खाया भाई साहब, इतना ज़्यादा टेस्टी, फर्स्ट टाइम मैंने खाया। तो मैंने डिसाइड कर लिया उनकी दुकान को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, व्लॉग बनाएंगे उनकी दुकान का। राधे कचौरी बनाया था आपकी, और कृष्णा कचौरी, ठीक। सागर के फ़ोन का टेम्पर ग्लास टूट गया, पहले ही चढ़वाया, ये टूटा है ना, ये टूटा था। जब से फ़ोन लिया है ये कम से कम 8वां 9वां तो होगा, है ना, हम दोनों के फ़ोन सेम है, कवर सेम है, ठीक है। मैंने एक बार टेम्पर ग्लास चढ़वाया था, तब से अभी तक चल रहा है, तब से अभी तक चल रहा है, 2 साल हो गए, तब से बढ़िया चल रहा है। और इसने 4-5 बार चढ़वा लिए, पता नहीं क्या करता है फ़ोन के साथ है, कुश्ती लड़ता है क्या। ये है मेरा फ़ोन, रेडमी नोट 8 प्रो, और इसी से मैं शूट करता हूँ। मतलब मेरा और सागर का सेम है, यही फ़ोन है रेडमी नोट 8 प्रो, 64 मेगापिक्सल कैमरा इसका, 4 क्वाड में आता है, 3 ये कैमरे हैं, और ये बेस्ट कैमरा है इसका, और फ्रंट का भी 20 मेगापिक्सल है, तो काफ़ी अच्छा शूट हो जाता है, प्लस इसमें वाइड एंगल भी मिल जाता है। अब संभाल के रखना, अब मत तोड़ना, ठीक है, टेम्पर ग्लास। हम जा रहे हैं आई थिंक कचौरी लेने, कचौरी मतलब कचौरी घर के लिए लेके जाने के लिए दूसरी जगह से, वो भी बहुत फेमस है, गायत्री कचौरी। मतलब मैं बता देता हूँ, इनको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, किसी दिन ब्लॉग शूट करूँगा, गायत्री कचौरी वाला, वन ऑफ द फेमस कचौरी इन भीलवाड़ा, टॉप 10 में, टॉप 5 में इनका भी नाम आता है, गायत्री कचौरी। कचौरी ले ली, अब हम जा रहे घर पे, बट किसी दिन यहाँ पर आएंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, मतलब पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे और अच्छी तरह से चीज़ें करेंगे। फेमस कचौरी है भीलवाड़ा की, ये भी गायत्री कचौरी। और अभी देखो क्या सजावट है यार, मतलब अभी नहीं हो रही भीलवाड़ा, ये देखो कल से लगेगा, कल मेले में जाने के लिए, ठीक है, बाय। 12, 13, 14 का भीलवाड़ा महोत्सव होने वाला है, ठीक है, तो बहुत तगड़ा वाला सेलिब्रेशन होगा, तो हम वहाँ जाने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, डिसाइड करेंगे, तीनों दिन के सेलिब्रेशन वहाँ देखें और आपको दिखाएं। अभी मैं आ गया हूँ पार्क में, और सागर जा चुका है, यहाँ पर ये उड़ा रहे हैं पतंग, पार्क। ये आदित्य देव।